First number MCQ यहाँ पे दिया हुआ है, how many types of blood group are present? So option D, 4, blood group A, B, AB or O. So option D is correct. Second MCQ दिया हुआ है, which of the following blood group is considered to be universal donor? चार दिए हुए हैं A, B, AB और O. So इसमें O जो है वो universal donor है. Third MCQ दिया हुआ है, the antigen for ABO NRHD blood group are present on the red blood cells. Red blood cells के ऊपर इनके antigens होते हैं, glycoprotein in nature होते हैं. अलबत्ता secretor जो होता है उसकी जीन SE जीन क्रोमोसोम नंबर 19 पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी बॉडी फ्लूइड में भी पाए जाते हैं. फिर MCQ नंबर 4th पे आते हैं, which of the following blood group is referred as a universal recipient? So, हमारे पास AB blood group जो है वो universal recipient है. So, option C is correct. MCQ 5th पे आते हैं, what are the two blood tests? So, हमारे पास एक है ABO blood group और एक है RHD. So, option B is correct. वैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि blood group जो है वो कम से कम 200 के करीब है, लेकिन इसमें 30 जो है वो ज्यादातर स्टडी किए जाते हैं और इनमें से दो जो है वो मेजर है, ABO और RHD ब्लड ग्रुप सिस्टम. MCQ 6 पे आते हैं, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लेंडस्टीनर? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1901, और जिसको नोबेल प्राइज 1930 में मिला. नेक्स्ट MCQ है, 7th RHD ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय सेम कार्ल लेंडस्टीनर इन 1930. अलबत्ता इसका जो जेनेटिक बेसिस है वो 1925 में बर्नस्टीन ने डिस्कवर किया था. इंस्टीट्यूट नंबर 8 पे आते हैं, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए. अब यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास ये एक आई जीन है, स्टेन फॉर आइसो एग्लो आइसो एग्लोटानोजन. सो ये फर्स्ट म्यूटेशन होती है, तो फर्स्ट म्यूटेशन से इससे एक जीन बनता है, इसको कहते हैं IA. फिर उसके बाद सेकेंड म्यूटेशन होती है, तो सेकेंड म्यूटेशन में इनसे जीन बन जाता है IB. फिर उसके बाद म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन होती है, तो उसके बाद रिसेसिव जीन बन जाता है स्मॉल आई. आई ए डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर, आई बी डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर, जबकि आई ए और आई बी जो है वो को डोमिनेंट है. इसमें ब्लड ग्रुप ए होगा, इसमें ब्लड ग्रुप बी होगा और इसमें ब्लड ग्रुप ए भी होगा. जिसे हम अक्सर यहां पे इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी लिखते हैं. अब हम अक्सर कहते हैं कि लेट सपोज अगर कंसीडर किया जाए कि एक बंदा है, उसकी जीन्स है IA या IA स्मॉल आई, तो कौन सा एंटीजन बनेगा? एंटीजन बनेगा ए. तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? इस ब्लड का होगा ए. लेकिन इसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी होगी बी. अगर हमारे पास जीन IB होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, तो एंटीजन होगा बी, ब्लड ग्रुप होगा बी और एंटीबॉडी होगी ए. लेकिन अगर दोनों जीन्स एग्जिस्ट करते हैं IA IB कोडोमिनेंस वाला, तो दोनों एंटीजन बनेंगे, ब्लड ग्रुप होगा AB और एंटीबॉडी नहीं होगी. लेकिन अगर रिसेसिव है तो एंटीजन जहां पे नहीं बनेगा, ब्लड ग्रुप होगा O और एंटीबॉडी दोनों होंगे. कितनी जीनोटाइप्स है? 6 जीनोटाइप्स है. 6 जीनोटाइप से आपको ब्लड ग्रुप कितने मिल रहे हैं फिनोटाइप्स? 4 फिनोटाइप्स मिलते हैं. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम ये कह दें कि उसका RHD जीन जो है उस शख्स में प्रेजेंट है, अगर RHD जीन प्रेजेंट है तो फिर जाहिर बात है RHD एंटीजन भी
प्रेजेंट होगा और अगर आरएचडी एंटीजन प्रेजेंट है तो व्हाट अबाउट आरएचडी एंटीबॉडी, आरएचडी एंटीबॉडी जो है उसमें एब्सेंट होगी। लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि हो सकता है आरएचडी जो है इसका जीन एब्सेंट है, ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है। तो उस कंडीशन में आरएचडी का जो एंटीजन है वो क्या होगा, वो भी एब्सेंट होगा। और इस सूरत में आरएचडी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होगी। अब हम एंटीजन्स को देखेंगे, यहां पे कौन सा एंटीजन है, ए। सो अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन तो यहां पे एंटीजन प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, ए पॉजिटिव, बी ए बी और ओ पॉजिटिव। लेकिन अगर हम ये कह दें कि एंटीजन नहीं है तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ये कंडीशन हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप आ गई। हम अक्सर जब देखते हैं तो डोनर और रेसिपिएंट इन दोनों के दरमियान हम चेक करते हैं, रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडी है वो अटैक करती है डोनर के एंटीजन्स पे, तो तब जो है एरिथ्रोब्लास्टासिस होगा। एरिथ्रोब्लास्टासिस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल्स। यहां पे इंस्ट्रक्यूज में उन्होंने दिया हुआ है कि इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज ए देन द एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। कौन सी एंटीबॉडी है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्यू दिया हुआ है विच ब्लड टाइप कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू द इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज अननोन। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप आपको पता नहीं है तो आप उसको कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे, ओ नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ नेगेटिव है, और आपके साथ यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हुआ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर क्यों ओ नेगेटिव है, और कर लें ये ब्लड ग्रुप ओ है, क्या इसमें एंटीजन है, नहीं। क्या आरएचडी का एंटीजन है, नहीं। जब एंटीजन ही नहीं है, डोनर का एंटीजन नहीं है तो रिसिपिएंट की एंटीबॉडी किस चीज पर अटैक करेंगे, अटैक ही नहीं कर सकती, इस वजह से ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हुआ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव है, अब ए बी को देख लें, यह हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी है, क्या इसमें एंटीबॉडी है, नहीं। अच्छा, क्या इसमें एंटीबॉडी है, नहीं। जब इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो ये इस रिसिपिएंट हुआ, इसकी एंटीबॉडी उसके एंटीजन पर अटैक नहीं कर सकती, इस वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 इन डिटरमाइनिंग द फिनोटाइप एबीओ सिस्टम डिश इज रिसेसिव, सो ओ इज रिसेसिव, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज आते हैं 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टेटमेंट आप लोगों को दिए हैं मुख्तलिफ टाइप्स के, कौन सा करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस रेड ब्लड सेल प्लस व्हाइट ब्लड सेल प्लस प्लेटलेट्स। 12th, ऑन व्हाट बेसिस इज द ब्लड टाइप क्लासिफाइड, ब्लड को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, आरएचएस फैक्टर, आरएच फैक्टर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें देखिए, यहां पे इंटीजेंस की बात तो नहीं हो रही ना, यहां पे तो ओ और ए जब क्रॉस मिस करेंगे तो एरिथ्रोब्लास्टासिस होगा, ओ इज डोमिनेंट ओवर ए, वो तो पॉसिबल नहीं है, बी इज डोमिनेंट ओवर ए, वो भी इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है।
हम तो क्रॉस तो नहीं कह रहे कि हम इस तरह क्रॉस गा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इन डिटरमिनेट द फिनोटाइप ऑफ ईबीओ, फिनोटाइप्स की बात हो रही है। तो फिनोटाइप्स तो अगर आप देख लें तो ओ जो है वो चूंकि सबसे ब्लड रह सकता है, वो रिसेसिव हुआ, रिसीव करने वाला हुआ। बाकी अगर आप क्रॉस करेंगे वो क्रॉस अलग चीज है। कि लेट्स सपोज आप इसको क्रॉस कर रहे हैं, आई ए को क्रॉस कर रहे स्मॉल आई के साथ, वो तो अलग कंडीशन है, ये वाली बात नहीं। वो तो कह रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन सा आपके लिए सूटेबल आंसर है, तो आप कहते हैं ओ इज रिसेसिव। जी पॉजिटिव नेगेटिव जो हम ट्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के लिए कह रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कहते हैं ना। तो ब्लड ब्लड हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स है, दो मेजर है ना, कौन कौन से मेजर है, आर एच डी और ईबीओ, ये मेजर है। तो आर एच डी ब्लड टाइप नहीं हुआ, आर एच डी के बेसिस पे आप ब्लड क्लासिफाई नहीं करते, आप किस बेस पे ब्लड क्लासिफाई करेंगे, या आर एच डी के बेसिस पे या एबीओ एंटीजन के बेस पे। क्लियर है बाकी? नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर है 13। ऑन व्हाट बेसिस इज द ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, सो ऑप्शन इज करेक्ट। 14, हाउ मेनी ब्लड ग्रुप टाइप्स एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर, 8, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। 15, इफ द ब्लड of a two different groups is mixed together, what problem is observed? Agglutination ho jayegi. Coagulation to alag cheez hai. Coagulation aur agglutination mein difference hai. Blood jab aapas mein contrast jab mix hota hai, that's called agglutination. Contrast blood group jab aapas mein jab aap mix karte hain, that's called agglutination kehte hain isko. कोएगुलेशन तो जम जाने को कहते हैं, वो तो एक आम टर्म है, वो हेपरिन की कमी की वजह से भी हो सकता है या फाइब्रिनोजेंस के एक्सेस की वजह से होता है। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन हैज एबी नेगेटिव ब्लड, हु ऑल कैन डोनेट ब्लड टू हिम, कौन सा ब्लड दे सकता है अगर वो एबी नेगेटिव है। ए बी नेगेटिव है तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है, एक तो ए बी पॉजिटिव हुआ ना, एक है ई बी नेगेटिव। जी अच्छा, ई बी नेगेटिव की बात हो रही है, ई बी नेगेटिव को कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो दे सकता है, ऑप्शन डी, ए नेगेटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। क्यों? यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो ए बी पॉजिटिव था, अब ए बी नेगेटिव की बात हो रही, ये वाला ए बी नेगेटिव। अब ए बी नेगेटिव में अगर आप देख लें नेगेटिव फैक्टर्स को, सो यहां पे आपके पास एंटीजन जो है वो एब्सेंट है लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इस वजह से तो सारे ले सकते, सबसे ले सकता है। एमसीक्यूज आते हैं 17, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु इज आई ए एंड आई बी एज अ जीनोटाइप्स, सो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। 18, अ केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द प्रोजेनी बीइंग एक्सचेंज एट द हॉस्पिटल, द डॉक्टर यूज ब्लड ग्रुप टू सॉल्व द केस, द ब्लड ग्रुप जीनोटाइप ऑफ पेरेंट वॉज आई ए स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई एंड आई ए आई बी, वट वॉज द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड हु वॉज रॉन्गली प्लेस्ड इन देयर चाइल्ड, क्रॉस कर लें इससे कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ब्लड ग्रुप ए, इससे कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए बी, इससे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ए, और इनसे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बी, कौन सा नहीं आ रहा ओ, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 17, व्हाट मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व मोर देन टू फॉर्म ऑफ जीन गिविंग राइज टू द रिप्रोपर्टोइज ऑफ द फिनोटाइप्स,
multiple alleles. Means ke they produce more than two alleles. Clear wahan pe likha hua hai. What mode of inheritance involve more than two form of a gene? So more than two form of gene se kya ho jayega? So multiple allele ho jayenge. Means ke they more than many characteristics produce kar sakta hai. Ab blood group mein kitne hai? Char ho gaya ki nahi ho gaya? A, B, A, B, O. Isi tarah आप लोग जो है उसकी वीट की एग्जांपल पढ़ते हैं कितने प्रॉपर कैरेक्टर्स हैं सात प्रॉपर्टी हैं 20 व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ अ प्रोजेनी इफ वन पेरेंट डोनेट आईए एलील व्हाइल अनदर स्मॉल आई सो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन कौन सा वाला मुंगा कम से तौर उस्तुत आप सबर कर लो MCQs आ जाएं 21 which of the following is the correct number of offspring produced by self fertilization of heterozygous pea plant for a trait that exhibit Mendelian genetic patterns option A Let's suppose capital T small t को cross कर लें capital T small t के साथ तो आ जाएगा capital T capital T small t और ये small t ये homozygous ये दोनों heterozygous ये homozygous recessive so option A is correct 22 the ratio of genotype observed in the progeny after a cross is being performed is called genotypic ratio A 23rd, what generation of Mendelian crosses has a genotype ratio of 3:1? F2. F2 generation. So option C. 24, accordingly to the law of dominance, what are the discrete units that control the character? That's called factors. So option A is correct. 25, which of the following is not a statement of the principle of dominance? D. Factors segregate during the process of meiosis. वो स्टेटमेंट मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की है 26 अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स दैट आर डैश व्हाइल हेटरोजाइगस प्रोड्यूस गैमेट्स दैट आर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट होमोजाइगस जो है वो सिमिलर होंगे और हेटरोजाइगस जो है वो डिससिमिलर 27 व्हाट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम कार्ड लिंकेज कहते हैं सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 28. What should be the phenotypes of F1 progeny produced by cross between tall and dwarf true breeding garden pea plant? Tall plant. So option A is correct. 29. In some animal, the same structure develops along different directions due to the adaptation of the different needs. This is called divergent evolutions. So option A is correct. यहां तक की क्वेश्चन कौन सा 27 क्वेश्चंस व्हाट इज द फिजिकल स्टेशन ऑफ जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स जीन जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं क्या रिलेशंस क्या है मीन कि जीन्स आर लिंक्ड विद वन अनदर क्यों हम कहते हैं क्रोमोसोम 46 है और जीन जो है वो 22-25,000 है जीन ज्यादा हो गया क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं सो दे आर लिंक्ड 28. What should be the phenotype of F1 progeny produced by the cross between tall and dwarf true breeding plants? Capital T को cross कर ले small t के साथ. आपके साथ जो भी offspring आ जाए, इससे आपको क्या नजर आएगा? So means कि आपको सारे के सारे tall plants मिल जाएंगे. ये बातें कहां से हो रही है आप लोग की अगर बात अहम है नीचे चले जाएं उधर स्टाफ रूम में आराम से बैठ जाएं और रिलैक्स होकर बातें कर लें क्लियर है यहां तक 21 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ द हेटरोजाइगस पी प्लांट For the trait that exhibit Mendelian,
ये हेट्रोजाइगस है कि नहीं है। इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगी 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो। अगर इसी तरह हम क्रॉस करते जाएंगे सो आपके पास यहां पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, सो उसमें कौन सा आप मैच कर सकता है। तो 250 जो है वो होमोजाइगस ट्रायल होंगे और 500 जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे और 250 रिसेसिव होंगे। क्लियर? 29 तक कोई क्वेश्चन? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाए एमसीक्यूज नंबर 30। द गिवन फिगर शो एन एग्जांपल ऑफ, क्या शो करता है? एक बटरफ्लाई का विंग है और एक बर्ड का विंग है। विंग दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन पैटर्न सबको डिफरेंट है, दैट्स कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 31, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? ऑप्शन डी, फोर लिम्स ऑफ फेल बीट्स केट हॉर्स फ्रंट लेग इन ह्यूमन हैंड। 32, द फॉसिल्स आर द एविडेंस बरीड डीप इनसाइड द सॉइल, दे कैन अकर व्हेन एनिमल्स आर बरीड एंड प्रिजर्व्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस। एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल डिजास्टर? नहीं, आप लोगों ने एवोल्यूशन में थ्योरी पढ़ी थी कैटास्ट्रोफिज्म, सो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स थे, कैटास्ट्रोफ हुआ, कुछ जमीन के नीचे पंथ गया और वो फॉसिल्स में चेंज हो गया। डिस्ट्रॉय करना तो अलग चीज है, फॉसिल्स बन जाना वो तो फॉसिल्स की बात हो रही है ना। द फॉसिल्स आर एविडेंस, डिस्ट्रॉय तो खत्म हो गया, फॉसिल्स बन गए हैं तो फॉसिल्स पाए जाते हैं। 33, डायनासोर आर एक्सटेंट। 34, देश वॉज आइलैंड वेयर डार्विन विजिटेड एंड डिस्कवर्ड ऑफ एडाप्टेटिव रेडिएशन, गैलापागोस। ऑप्शन बी। 35, स्पीशीज विच हैव डाइवर्ज आफ्टर ऑरिजिन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर गिविंग राइज टू द न्यू स्पीशीज adapted to the new habitat in ways of life, it is called adaptive radiation. क्या आते हैं? क्या चीज हो? Divergent evolution उसको हम कहते हैं कि इनका origin same था और अलग अलग जगहों पे चले गए और वो एक दूसरे से divert हो चुके हैं, new species develop हुई है, that's called divergent. सुने, human hand, cat paw, हाथ फ्रंट लेग, फ्रंट फ्लिपर ऑफ द व्हील्स डाइवर्ट हो गया। लेकिन वो कह रहे थे एडाप्टेशन की, वहां पर इन्होंने एडाप्टेशन की स्पीशीज अभी तक नहीं बनी, सो इन्होंने एडाप्टेशन की है। एडाप्टेशन में और स्पीशिएशन में डिफरेंस है। देश देखिए कहते हैं कि स्पीशीज विच मूव विच हैव डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज्ड आफ्टर ऑरिजन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स giving rise to new species adapted to the new habitats, ways and ways of life is called, वहां पे life कौन सी life गुजारेंगे? Adaptations की उन्होंने ना, वहां पे वो adapt हो गया है। Just like आप लोगों ने पढ़ा था चार्ल्स डार्विन में कि जब वो गैलापागोस आइलैंड से जा रहा है तो वहां पे फिंच बर्ड देखता है, टोटल 14 है, वन माइग्रेटरी है, 13 locals है, सो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो ऑलरेडी, अब फिंच कॉमन नेम है, स्पीशीज अलग है, लेकिन एडाप्टेशन की बीक चेंज हो गया। किस मकसद के लिए? ताकि वो एडाप्टेशन के लिए वहां पे मौजूद खुराक के बेस पे। 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन एनिमल्स? नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स। 37, व्हिच साइंटिस्ट इन हिज रिकैपिटुलेशन थ्योरी स्टेटेड दैट ऑन्टोजेन रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी? प्रिंसिपल एम्ब्रियोलॉजी। 38, accordingly to spontaneous generation, life originated spontaneously. क्या चीज़ हूँ? नॉन लिविंग से एयर का मकसद नहीं है। आप लोग के evolutions के चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन में 4 लाइन्स है वहां पे इसका जिक्र हुआ है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि मड कीचड़ जो है उसमें मछली के बच्चे जो पैदा हो जाते हैं या एम्फीबियन मेंढक वगैरह पैदा हो जाते हैं,
ये ही की बात, ईयर पे तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ईयर से जो है वो पीले में घर के निजाम बनते हैं। 39 लामार्क वाज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 40 यूज एंड डिस यूज थ्योरी वाज गिवन बाय लामार्क, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 41 लामार्क यूज जिराफा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट अमंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लामार्किज्म, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये किसका स्टेटमेंट था? डार्विन। 43 ड्यूरिंग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर हेटरोट्रॉफ, पहले हेटरोट्रॉफ हुआ करते थे। माइकोप्लाज्मा तो नहीं था, आर क्या था? ये किसने कहा कि माइकोप्लाज्मा था? आर क्या जो आप लोगों की फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, द मोस्ट ओल्डेटेड लाइफ ऑन अर्थ वॉज यू बैक्टीरियम आइसोलेटम, फर्स्ट चैप्टर से दिया हुआ है। चैप्टर 9 में डाइजेस्ट उसका डाइवर्सिंग प्लांट्स में दिया हुआ है, बारकोन एंड स्कॉप्ट कंफर्म आर क्या 3500 बिलियन ईयर एगो। तो फर्स्ट लाइफ तो आर के थी, माइक्रोप्लाज्मा को तो छोड़े, वो तो बाद में आई थी, वो हेटरोट्रॉफ थे। अच्छा दूसरा आप लोगों ने साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक पढ़ा होगा प्रोक्रियाट्स में, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो वहां पे खुराक पड़ती पाई जाती थी तो उसको खाने लगे, उसके बाद खुराक की डिफिशियंसी आ गई, तो उसके बाद उन्होंने मूड ऑफ लाइफ चेंज किया, हेटरोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफ की तरफ आ गए। बैक्टीरिया तो अब कोई कॉमन नेम है ना, कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं है। बैक्टीरिया इनिशियली ऑटोट्रॉफ थे या हेटरोट्रॉफ थे? हेटरोट्रॉफ थे, गलत हमने कहा ना, अच्छा गलत थे बस हुए मने। तो पता चल गया ना, एमसीक्यूज का मतलब होता है कि जब आप गलती कर लें तो आपको नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा। 44 पे आती है, फ्रॉम लामार्क थ्योरी जिराफा हैव लॉन्ग नेक बिकॉज स्ट्रेचिंग ऑफ नेक ओवर मेनी ईयर्स बाय शॉर्ट नेक वंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 45 दिस वाज द नेम ऑफ शिप इन विच डार्विन सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, एचएमएस बीगल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 46 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज द ओरिजिनल आइडिया ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। अच्छा फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस उसका एक्वायर्ड करेक्टर था, हार्बर्ट स्पेंसर लिखा हुआ है किताब में, लिखा हुआ है बाकायदा, लिखा हुआ है चेक कर लिखा है किसने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज द ओरिजिनल आइडिया ऑफ हार्बर्ट स्पेंसर। सर्वाइवल जस्ट लाइक हम कहते हैं ना कि जीन को किसने डिस्कवर किया, जीन को किसने डिस्कवर किया, तो आप तो कहते हो कि मेंडल ने इस फैक्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा था। हाँ यही बात है ना, हार्बर्ट स्पेंसर नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में फर्क है, जिस तरह के जॉनसन जीन और फैक्टर में फर्क है। 47 द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन आर मोर न्यू स्पीशीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीशीज कॉल्ड स्पीसिएशन। 48 ड्यूरिंग एवोल्यूशन द फर्स्ट यूकेरियोट्स फ्रॉम प्रोकेरियोट्स अपीयर्ड बिफोर हाउ मेनी मिलियन ईयर, 1.5 टू 2 बिलियन ईयर एगो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 49 वेयर वर द स्पर्म प्रोड्यूस्ड, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन डी। 50 इज डिजीज स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सी। 51 ओसरावांश मुंगलम टेस्टोल गर्क पर ओसरावांश है उसके यहां से मुंगम रवानी। 51 द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओवरीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 52 फेलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड इज ओविडक्ट्स, ऑप्शन इज करेक्ट। 53 द मैच्योर फॉलिकल इज आल्सो कॉल्ड इज ग्राफियन फॉलिकल्स, ऑप्शन बी। 54
antrum is the cavity of graafian follicle. C. 55. Fertilization of the egg by sperm occurring oviduct. Option A. 56. Uterus is made up of 3 layers. Option C. 57. Where does implantation of blastocyst occur? Endometrium. B. 58. Which hormone thickens the lining of the uterus? Estrogens. Option B. G. Progesterone maintain karta hai pregnancy ko. Pehle kya release hota hai? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सबसे पहले जो है फॉलिकल सेल्स होते हैं ये एफएसएच की प्रेजेंस में क्या रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का काम क्या है वो जाएगा यूटेरस को प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए. फिर उसके बाद क्या होगा ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में ग्राफियन फॉलिकल सेल्स में. ग्राफियन फॉलिकल सेल्स क्या करते हैं ये ओसाइट्स या ओगोनिया ले लेते हैं इसकी मेच्योरेशन करते हैं फिर एलिस की प्रेजेंस में ओव्यूलेशन होती है ओवर रिलीज किया जाता है किसी में कन्वर्ट किया जाता है कार्पस ल्यूटम में. अब ओवर रिलीज जो है स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा आप लोग क्या कर रहे हो दैट इज जरूरी दे रहा हम कार में दुईतम लगू है कनेक्शन लगू तरह डिस्कस की एलएच अब प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हुआ है प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा अब फर्टिलाइजेशन जायगोट उसको मेंटेन करेगा. क्या चीज है प्रोजेस्ट्रॉन वो प्लेसेंटा का प्रोजेस्ट्रॉन फिर बाद में इसको मेंटेन भी करेगा. बेसिक काम जो है वो एस्ट्रोजन्स का है अगर कंपेरेटिवली आ जाए प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन्स की बात हो जाए. What is the fate of corpus luteum in the case of unfertilized egg degenerated? The contraction of the myoepithelial breast cell is stimulated by prolactins. लेट डाउन रिफ्लेक्स जो होता है लेट डाउन रिफ्लेक्स सो दैट्स बाय द ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसकी स्टिमुलेशन करता है जी ना. द कंट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल ब्रेस्ट सेल इज स्टिमुलेटेड बाय अब कौन करेगा अब जो है वो प्रोलेक्टिन करेगा उसको सस्टेन करना उसकी प्रोडक्शंस करना उसको मेंटेन करना 2 इयर्स तक प्रोलेक्टिन का काम है. एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको स्टिमुलेट करना वो फिर ऑक्सीटोसिन का काम है. ना ना क्या चीज हो वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसको इनिशिएट करना जो होता है वो ऑक्सीटोसिन का काम है. ऑक्सीटोसिन बेसिक काम क्योंकि डिलीवरी के साथ है डिलीवरी के टाइम पे जो कोलेस्ट्रॉम की प्रोडक्शन होगी वो ऑक्सीटोसिन करेगा लेकिन बाद में मेमोरी सेल्स की कॉन्ट्रेक्शन मिल्क प्रोडक्शन वो प्रोलेक्टिन का काम है. एमसीक्यूज 60. If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system gets blocked, the gametes will not be transported from. क्या चीज़ हो? यहाँ मेरे पास टेस्टिस है. टेस्टिस जो है दे आर मेड अप ऑफ लोब्यूल्स और यहां से एक डक्ट निकलता है उस डक्ट को क्या कहते हैं वाजा एफरेंशिया. वाजा एफरेंशिया के बाद नेक्स्ट कौन सा डक्ट होता है एपिडिडाइमस और एपिडिडाइमस के बाद नेक्स्ट कौन सा होता है वाजा डिफरेंशिया. तो कहते हैं कि इफ For some reason, the vasa efferentia
vasa efferentia. In the human reproductive system is blocked. The gametes will not be transported from. So kya hoga? Testis to epididymis. Testis to epididymis. Ye transport nahi hoga. Sabar kar lo na. 60A. नेक्स्ट आते हैं 61 पे. इन मोस्ट मेमल टिस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सेक्स फॉर स्पर्म डेवलपिंग इन कोलर कंडीशंस. ऑप्शन बी 62. विच हार्मोन्स सर ट्रिगर्स एवोल्यूशन? एलएच. ऑप्शन बी 63. ल्यूटल फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ रेप्सिस ग्राफिन फॉलिकल सेल इनटू कॉर्पस ल्यूटम. ऑप्शन ए 64. What hormone is responsible for the maintenance of endometriums? Progesterone. 65. What is the fate of corpus luteum in the case of unfertilized egg? Degenerated. 66. The end of menstrual cycle is menopause. What is the process of conversion of spermatid to sperm called spermiogenesis? Last, a person with a tetraploidy will have digits of chromosome in their spermatid, diploids. Clear?